इन बातों में न उलझे। जो नए लोग हैं उन्हें लगता है कि राजनीति न जाने कैसी है, तो कम से कम जमीन पर रह करके और इस गर्मी में उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति में कितनी मेहनत है। अगर वो राजनीति को सीखना चाहता है और गरीबों के बीच और किसानों के बीच और गांव की तकलीफ परेशानी को समझना चाहता है तो उसके लिए तो जाना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं, पिछली बार भी गए, हमेशा जाते रहे। अदय जी, कल पीएम पर काम करने की जरूरत है। अदय जी, नहीं हमें नहीं, सीखना चाहता जो भी राजनीति में आना चाहता है। पीएम मोदी जब आ रहे हैं चार लोकसभा में, जो संदेश देने की कोशिश करेंगे, मन की बात है, क्या कहेंगे? अब मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता, न किसी मनमर्जी के बारे में कुछ कहना चाहती है और सुनना चाहती जनता। जनता संविधान की बात सुनना चाहती है। और जो लोग होर्डिंग से गायब हैं, जनता उन्हें भी गायब कर देगी। अच्छा, कर्नाटक में राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि वो वहाँ ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि संविधान की बात हो। ये आप भाषण सुन लेना, न बेरोजगारी पे बोलेंगे, न पेपर लीक पे बोलेंगे, और न इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलेंगे, और न ये दोबारा कहेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। और ऐसा खाया ऐसा खाने दिया कि डकार भी नहीं आई किसी को। इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ कितना पैसा वसूला गया है, मीट की कंपनी उससे भी पैसा वसूल लिया, आपकी जो दवाई महंगी है उससे भी चंदा लिया गया। तो बताइए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदा वसूली से महंगाई हो गई कि नहीं महंगाई हो गई? अभी तो चंदा की पोल खुली है इलेक्टोरल बॉन्ड से, अभी तो दान की खुलने जा रही है अभी कुछ दिनों बाद। अभी इस इलेक्शन में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, योगी आदित्यनाथ कह रहे कि अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे चलते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री सब उल्टा पुल्टा करते हैं, इसलिए उनकी बातें मत सुनो। अदित्य जी, आप कन्नौज से कैंडिडेट है, कन्नौज और मैनपुरी का डिंपल जी, मैनपुरी से कौन ज्यादा मतों से जीतने वाला मैं है? तो कहूंगा कि भाई आप लोग मैनपुरी के वोटर, आप भी जिताना, मैनपुरी भी ज्यादा है, बस हम तो जीत ही रहे हैं मान लो, लेकिन तुम ज्यादा वोट से जिताने हैं। धन्यवाद। यह एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप सब अगर नौकरी पा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण को भी लागू करना पड़ेगा। जहां युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, और नौकरियों का तो भी जारी रहेगा, विशेष तरह पेपर लीक करा के बार बार उत्तर प्रदेश में नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मंत्री, माननीय लालू यादव विधायक जी, माननीय राम और मंत्री सभी जिम्मेदार साथी, और सामने बैठे हुए जिम्मेदार साथी जिनकी दम पर ये चुनाव हम लोग लड़ते हैं। साथियों, ये चुनाव आम चुनाव की तरीके से नहीं है, ये चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य। मैं उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग बेरोजगारों की बारात यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारों की बारात यात्रा भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की नुमाइश नहीं करनी थी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं, उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी कम होती होंगी बारातें, वो बारातें दूसरे तरह की होती हैं, ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। कल राहुल जी ने हमें रायबरेली से नामांकन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा। बहुत से उदाहरण हैं, नेता दो दो लोकसभाओं से लड़ते हैं,
हम भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष जब जीत जाता है तो नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पे जाते। देखिए, इस बहस के में हमें उलझना नहीं है, ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी, और हम लोगों ने तय ये किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। 2016 में ईवीएम से हरा के और ईवीएम हटा देंगे। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, संविधान के खिलाफ मानता है। 2016 में जनसंख्या भी तो अधिक है, आपने मैनपुरी को और सैनिक स्कूल की दुर्दशा बहुत खराब है। ये मुख्यमंत्री ही उल्टे बुलटे हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, हर अच्छी चीज को खराब कर देते हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस को 100 नंबर देकर खराब कर दी। अब पुलिस जाती है तो दोनों पक्षों से वसूल लेती है, क्योंकि 100 से 112 कर दिया जो गिनती बढ़ाई मुख्यमंत्री ने, पुलिस को लगा कि उन्हें रेट बढ़ा देना चाहिए, तो रेट बढ़ गया। सैनिक स्कूल, ये वो सैनिक स्कूल था जो फौज में बड़े बड़े पदों पर पहुंचाता और नौजवानों को अफसर बनने का मौका मिलता। वो सरकार जो अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ला रही है, वो सैनिक स्कूल को कैसे स्वीकार कर सकती है? समाजवादियों की सरकार बनेगी, एमपी जीतेंगे, यहाँ से सैनिक स्कूल पहले की तरह चलेगा, जिससे बच्चों का भविष्य बने और देश में अच्छे अफसर बनकर के मैनपुरी से जाएं और देश की रक्षा करें। अच्छा, थर्ड फेज का चुनाव है, आप कितनी सीटें मान रहे हैं समाजवादी पार्टी? दो फेसों में तो जनता ने बीजेपी को पलट दिया, इसीलिए 400 पार का नारा भूल गए, भाषा बदल गई उनकी। ये तीसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सफाया भी होगा, सात समुंदर पार फेंक दिए जाएंगे हार आकर के, और इस राउंड के बाद 7 तारीख के बाद 7वें राउंड तक बीजेपी हारती जाएगी। तीसरे चरण में आपके परिवार के 4 लोग कैंडिडेट हैं और चारों के चारों जो है करारी शिकस्त का सामना करेंगे। देखिए, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जो लोग हार चुके हैं, हारे नहीं है, अभी हारने नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के लोग हार चुके हैं, तभी उनके भाषण देखे आपने, किसानों की आय दोगुनी पे नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं, महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या काम किया उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो आपसे कई बार सुझाव दे चुके थे, ये जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, कौन सा टूरिज्म किया इन्होंने, कौन से टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, क्या यहाँ पर मैनपुरी में कोई ऐसा काम हो गया जिससे कि टूरिज्म बढ़ गया हो यहाँ पर, आप बताओ, आप तो यहीं के लोग हैं सब। अदिति भविष्य की मुख्यमंत्री है? देखिए, ये चैनल इन बातों में ना उलझे।